एंड वेलकम टू डेली बुलेटिन गुलबर्गा। आइए सबसे पहले बात करते हैं एक नया अपडेटेड ऑर्डर जो आया है डीसी शरद बीजी की तरफ से। इस ऑर्डर के अंदर ये बताया जा रहा है कि जो शॉप्स या जो चीज़ों को अलाउड किया गया था पिछले ऑर्डर के अंदर लॉकडाउन के, उन्हें अनुमति दी जा रही है सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक वो ओपन रह सकते हैं। लोगों को कन्फ्यूजन है कि हर दुकान खुली है, ऐसा नहीं है। जिस चीज़ को परमिशन दी गई थी पिछले ऑर्डर में, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड आइटम्स हैं या एग्रीकल्चर के रिलेटेड आइटम्स हैं या होटल सर्विसेज हैं जो पार्सल सिस्टम में ओपन रह सकते हैं, उन सबको एक 6 बजे से लेकर 2 बजे तक का टाइम लॉक किया गया है ताकि 2 बजे के बाद लोगों को रीज़न ना हो बाहर निकलने के लिए। लेकिन ग्रोसरीज, मेडिकल शॉप्स और दूसरे हॉस्पिटल्स के जो भी मैनेजमेंट्स हैं, उन सबको टाइमिंग एज इट इज़ रखा गया है, उसमें कोई कटौती नहीं है। उसके बाद नजर डालते हैं गुलबर्गा शहर के कोविड 19 के केसेस पर। आज 89 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं और साथ ही साथ 42 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। अब तक केसेस के अंदर कोई कटौती तो नज़र नहीं आ रही लॉकडाउन की वजह से, लेकिन उम्मीद यह है कि जो लॉकडाउन के पहले 3 दिन थे उसका असर आने वाले 4-5 दिन तक नज़र आएगा। याद रखिए टोटल एक्टिव केसेस फिलहाल 987 है। एरियाज की लिस्ट हमने स्क्रीन पर डाली है, आप एरियाज की लिस्ट को देख सकते हैं। ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है जिसमें आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हालत क्या है। इसके अंदर खुले आम सुअर घूम रहे हैं, यानी कि पिग घूम रहे हैं, और कोई वहां पर सिक्योरिटी ना हाइजीन मेंटेन किया गया है। इमेजिन करें कि किस तरह का ट्रीटमेंट वहां पर दिया जाएगा। ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है और लोगों का सवाल बढ़ते जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर कोई मैनेज करने वाले हैं या नहीं। आज गुलबर्गा डीसी ऑफिस पर प्रोटेस्ट हुई 800 की तरफ से, जहां पर उन्होंने डिमांड किया कि इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर एग्जाम्स को कैंसिल किया जाए। जैसे कि आप पहले जानते थे कि पहली बार में सारे प्रमोशन किए गए थे सेमेस्टर वाइज, लेकिन फाइनल ईयर के एग्जाम्स को कंडक्ट करने का फैसला किया कर्नाटक गवर्नमेंट। इस पर आपत्ति जता रहे हैं स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। हमारे साथ केसेट को भी पोस्टपोन करने की ये डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि केसेट भी हाल ही में होने वाला है, तो बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए 800 ऑर्गेनाइजेशन डिमांड कर रही है कि केसेट भी पोस्टपोन हो जाए। साथ साथ बहुत सारे उनकी डिमांड्स हैं, आइए देखते हैं। लॉकडाउन अनाउंस कर रहे हैं और दूसरी तरफ गवर्नमेंट स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन लेने के लिए सोच रहे हैं। ये पूरे के पूरे एंटी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के जो हेल्थ कॉन्शियसनेस को नेग्लेक्ट किया जा रहा है। अगर एक भी स्टूडेंट्स को क्या तो हुआ तो इसके जरिए इसका जिम्मेदार क्या गवर्नमेंट लेगा। इसके खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं कि सीटी कर्नाटका सीटी जो कंडक्ट करे ये टोटली पोस्टपोन करना चाहिए। और सेकेंड पॉइंट, जो डिग्री और इंजीनियरिंग फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को जो एग्जाम लिखने के लिए यूजीसी के जरिए मजबूर किया जा रहा है, इसे नहीं करना चाहिए। और ये डिग्री स्टूडेंट्स को ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, जो थर्ड ईयर जैसे जो डिग्री अनाउंस कर रहे हैं, जो रिजल्ट अनाउंस कर रहे हैं इंटरनल और प्रीवियस सेमिस्टर के जरिए, जो 50-50 मार्क्स लेके एक साइंटिफिक इवेल्युएशन प्रोसेस को इवेल्युएट करके फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को भी आप रिजल्ट अनाउंस करो बोल के हम ये प्रोटेस्ट के जरिए, ऑल कर्नाटका स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट डे के जरिए हम मांग कर रहे हैं गवर्नमेंट से। आखिर में एक राहत की खबर हम बता रहे हैं, कोवैक्सीन जो कि इंडिया की सबसे पहली वैक्सीन कैंडिडेट है जिसे अप्रूवल मिल चुका है और वो स्टेज बाय स्टेज आगे बढ़ते जा रही है। एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि वक्त से पहले ये 2021 से तैयार नहीं हो सकती, लेकिन गवर्नमेंट इसे बिल्कुल पुश कर रहा है और साथ ही साथ ICMR भी पुश कर रहा है। और पहले ह्यूमन ट्रायल जो थे 375 वॉलंटियर्स के 15 जुलाई को उन्हें दिया गया है और सबकी तबीयत बिल्कुल ठीक है और सभी लोग स्टेबल हैं। तो ये आने वाले दिनों में एक बड़ी खुशखबरी हो सकती है और हो सकता है कि हिंदुस्तान ही सबसे पहली वैक्सीन डेवलप करे इस कोरोना वायरस को फाइट करने के लिए। डेली बुलेटिन गुलबर्गा वॉज प्रेजेंटेड बाय KBN यूनिवर्सिटी, अब्दुल करीम उछाले एंड सन्स क्लोथ मर्चेंट्स एंड बाय SS टेक्नोर PU कॉलेज। उम्मीद करते हैं आपको हमारा डेली बुलेटिन पसंद आ रहा होगा। पसंद आए तो शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि आपको मिले हर वो अपडेट वेरी क्विकली। तो देखते रहिए गो हैश।